हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। अब तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ड्यू टू डाइपोल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो हम जानते हैं कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट तक लाएं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो वर्क किया है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो जो वर्क चार्ज पर किया गया है दैट वर्क स्टोर्स इन द चार्ज एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो एक चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ा उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी उतना हुआ, दो चार्जेस को लाना पड़ा इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक तो उस सिस्टम में दो चार्जेस अगर हैं तो दोनों का वर्क डन, थ्री चार्जेस होगा। तो इस तरह से जितने भी सिस्टम में जितने भी चार्जेस होंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा, हर एक चार्ज को इन्फिनिटी से उस सिस्टम में अलग अलग पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से डिफाइन करते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्लोजर टू ईच अदर टू फॉर्म द सिस्टम। तब उस सिस्टम फॉर्म करने में हर एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क करना पड़ा। तो सबसे सिंपल सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या हो सकता है? जिस सिस्टम में दो पॉइंट चार्जेस हो। तो ऐसा सिस्टम जिसमें टू पॉइंट चार्जेस हैं, तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, हम उसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहां पर हमारे पास मान लेते हैं एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है क्यू वन एंड क्यू टू, और Q1 एंड Q2 दोनों r डिस्टेंस पर है। तो यहां पर Q1 को इन्फिनिटी से पहले लेकर आए, जितना वर्क करना पड़ा वो हो गया कुछ वर्क। Q2 को इन्फिनिटी से लेकर आए पॉइंट B तक, कुछ वर्क करना पड़ा। दोनों को लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही पोटेंशियल एनर्जी हो गया। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विल बी द वर्क डन टू ब्रिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले Q1 को लेकर आएंगे, फिर उसके बाद Q2 को लेकर आएंगे। तो अब यहां पर एक चीज आपको समझना है, सपोज यहां पर Q1 और Q2 दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो हम पहले Q1 को इन्फिनिटी से कहीं से लेकर आ रहे हैं, ठीक है? तो इन्फिनिटी से जब यहां पर पॉइंट A पर लेकर आ रहे हैं तो वर्क कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पॉइंट A मल्टीप्लाइड बाई दी चार्ज Q1। वर्क का फॉर्मूला होता है, बहुत बार हमने पढ़ा है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स गया है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन टू चार्ज। वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इन टू चार्ज। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अगर मान लो कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, जब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल है वी ए, तो वी ए पर पोटेंशियल जीरो होगा व्हेन नो चार्ज इज प्रेजेंट इनिशियली। तो जब वी ए पर पोटेंशियल जीरो है तो कितना वर्क करना पड़ा Q1 को इन्फिनिटी से ए पर आने तक? वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड इन्फिनिटी इन टू Q1। ओके, वी ए क्या है? जीरो, अभी हमने देखा है। वी इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को हमेशा ही हम जीरो मानते हैं, तो वी इन्फिनिटी जीरो माइनस जीरो हो गया जीरो, इंटू Q1 जीरो, ऑल विल बी जीरो। मतलब Q1 को लाने पर कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा, तो W1 विल बी जीरो। अब Q1 फिक्स हो गया यहां पर अपनी पोजिशन पर। अब इस पॉइंट इस के फील्ड में हमें क्या लाना है? Q2 को लेकर आना है। कहां से लाएंगे? इन्फिनिटी से। तो अब देखो यहां पर पॉइंट बी पर पोटेंशियल क्या होगा? अब पॉइंट बी पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके सराउंडिंग में चार्ज Q1 प्रेजेंट है। तो जब चार्ज Q1 प्रेजेंट है तो यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा। अच्छा, पॉइंट चार्ज यहां पर Q1 के लिए हमें यहाँ पोटेंशियल हम फाइंड कर सकते हैं, वो क्या होता है? एक चार्ज क्यू के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, जहां पर आर है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, तो बी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर है, तो पहले बी पर पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, तो क्यू टू को कितना वर्क करना पड़ा वो फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज क्यू वन एट ए इज 1/4πε0 क्यू वन बाय आर। ओके, तो वी बी मिल गया पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो वर्क डन कितना होगा, क्यू टू को इन्फिनिटी से लाएंगे तो, सो द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज क्यू टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। अच्छा, पोटेंशियल बी पर अभी निकाले हैं और वी इन्फिनिटी, ये तो जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज क्यू टू, तो क्या मिल गया यहां पर, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज क्यू टू फ्रॉम इन्फिनिटी इज 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो डब्ल्यू टू मिल गया, ये हो गया इक्वेशन टू, इक्वेशन वन में डब्ल्यू वन मिल गया है। तो पूरे सिस्टम को फॉर्म करने में कितना वर्क करना पड़ा, कौन सा सिस्टम, क्यू वन क्यू टू वाला सिस्टम, तो वैसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस हैं, तो दोनों चार्जेस को असेंबल करने में W1 प्लस W2 वर्क करना पड़ा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज Q1 एंड Q2, W1 प्लस W2, W1 तो जीरो है और W2 अभी हमने फाइंड किया है, ये एक्सप्रेशन है 1/4πε0 Q1 Q2 by R, और यही हो जाएगा टोटल वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो वर्क डन मिल गया, वर्क डन का मतलब क्या हुआ, इतना एनर्जी हमने स्पेंड किया है, एक्सटर्नल एजेंट ने स्पेंड किया उस सिस्टम को फॉर्म करने में, तो वो एनर्जी कहाँ गया, वो एनर्जी उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बन गया, और इसी वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को हम W से नहीं, कैपिटल U से डिनोट करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे, सो पोटेंशियल एनर्जी U विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R। अब यहां पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी U है, ये डिपेंड करता है दोनों चार्जेस के साइन पर और दोनों के डिस्टेंस पर। डिस्टेंस मतलब दोनों चार्जेस जब सेपरेट होगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों चार्जेस जब क्लोजर आएगा तो डिस्टेंस घटेगा। तो अगर Q1 Q2 का साइन फिक्स रखें तो उस हिसाब से हम देखते हैं यहाँ क्या है, जो पोटेंशियल है वो, पोटेंशियल एनर्जी है वो आर पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर सिर्फ डिस्टेंस पर कब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा कम होगा, वो सिर्फ डिस्टेंस पर नहीं, Q1 Q2 के साइन पर भी डिपेंड करता है। मान लेते हैं Q1 और Q2 सेम साइन है, मतलब Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, या फिर Q1 नेगेटिव है Q2 भी नेगेटिव है। तो दोनों जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, Q1 और Q2 दोनों रिपेल करेगा एक दूसरे को, रिपेल करेगा तो उस केस में क्या होगा, दोनों को जब हमें क्लोजर लाना है, क्लोजर लाने के लिए एक्सटर्नली हमें वर्क करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो एनर्जी जब सप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। मतलब क्या है, दोनों जब सेम साइन के होंगे तो दोनों को क्लोजर लाने में, मतलब डिस्टेंस डिक्रीज करने में, इन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, और इसी का रिवर्स अगर हम देखें, दोनों को सेपरेट करने में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो सिर्फ एक ही फैक्टर को याद रखें, दोनों सेम साइन का अगर होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो क्लोजर लाने में वर्क करना पड़ेगा, वर्क मतलब एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी किसमें, सिस्टम में, सिस्टम में सप्लाई कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, और सेम साइन में अगर सेपरेट करना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। अच्छा, अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, या दूसरा भी ऐसे भी देख सकते हैं, Q1 नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है, मतलब दोनों जब ऑपोजिट साइन का होगा। तो जब ऑपोजिट साइन का होगा तो उस केस में दोनों में अट्रैक्शन होगा Q1 और Q2 में। तो जब अट्रैक्शन होगा
तो दोनों को हम जब दूर ले जाएं, मतलब सेपरेट करें, तब वर्क करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने में वर्क करना पड़ रहा है, मतलब एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। तो दोनों जब ऑपोजिट साइन का होगा, सेपरेट करने में वर्क करना पड़ रहा है, उस केस में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। उसी में रिवर्स देखें, दोनों ऑपोजिट साइन का हो तो दोनों को क्लोजर लाने में वर्क फील्ड कर रहा है। फील्ड कर रहा मतलब ऑब्टेनिंग वर्क फ्रॉम द सिस्टम, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। सिंपली अगर दोनों सेम साइन है तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज टू ब्रिंग देम क्लोजर, दोनों ऑपोजिट साइन है तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज टू सेपरेट देम। और दोनों का रिवर्स केस बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। तो हमने ये पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डाइपोल। डाइपोल में हम देखेंगे, डाइपोल के सारे बिहेवियर को हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक, पोटेंशियल का कैरेक्टरिस्टिक किस तरह का होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तब इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेवियर क्या होता है और उस पर किस तरह का फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है, और उसके साथ साथ फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करेंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज, और इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो कॉमेंट करके प्लीज पूछिए। थैंक यू।